दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव से पहले सदन में एलजी के जरिए चुने गए पार्षदों की शपथ को लेकर आप और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली। सदन में ही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी झूठी है के नारे लगा दिए। इस दौरान दोनों पार्टियों के नेताओं में हाथापाई और धक्का मुक्की भी हुई। वहीं अब सदन में हंगामे के बाद आप बीजेपी सांसद के बाहर भी एक दूसरे पर हमलावर है। सदन में हुए हंगामे को लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। एमसीडी सदन में हुए हंगामे के बाद बीजेपी की तरफ से सांसद मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा, 26 जनवरी का वो दिन जब अरविंद केजरीवाल अपना बिस्तर लेकर रेल भवन के सामने पहुँच गए थे, उन्होंने स्वयं कहा था कि वो अराजक हैं। दूसरा, जब उनके राज्यसभा के सांसदों ने राज्यसभा में अराजकता की थी। आज एक बार फिर से नगर निगम सदन में उनकी अराजकता देखी गई। एलजी ने अपने अधिकारों का पालन किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अव्यवस्था करने का काम किया। ये तो थी बीजेपी की पीसी, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कहां चुप रहने वालों में थी। बीजेपी को पलटवार कर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने तो बीजेपी के लिए जहर ही उगल दिया। दरअसल सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, इस वीडियो में सुनिए। तो कहेंगे प्रधानमंत्री भी वोट डालेंगे, प्रधानमंत्री जो है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है। अमित शाह क्योंकि देश के गृह मंत्री है, वो भी वोट डालेंगे कि मेयर दिल्ली में कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे, और पुलिस अगर FIR दर्ज नहीं करेगी तो कोर्ट से प्राइवेट कंप्लेन कराएंगे, 156(3) में जाएंगे और इनके खिलाफ कंप्लेन कराएंगे। इनकी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।